ये कहानी बसंत कुंज में रहने वाली संजना की है, जो अपनी माँ कावेरी के साथ रहती थी। संजना की माँ कावेरी ज्यादातर बीमार ही रहती थी और संजना को भी बहुत ही कम दिखाई देता था। इस वजह से वो लोग बहुत ही ज्यादा गरीबी से जूझ रहे थे। घर का खर्चा चलाने के लिए संजना अपने घर के बाहर चाय बेचने का काम करती थी। उसे कम दिखाई देता था, लेकिन फिर भी वो किसी तरह ये काम संभाल लेती थी। एक दिन की बात है, उसकी दुकान पर गांव की जानकी काकी आती है और संजना से कहती है, अरे संजना बिटिया, जरा एक कप अदरक वाली चाय तो बना दे, सर में बहुत ही दर्द हो रहा है। घर में बनाने का मन नहीं किया, इसलिए चाय पीने तेरी दुकान पर ही आ गई। आप बस 5 मिनट इंतजार कीजिए काकी, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना देती हूँ। ऐसा कहकर संजना चाय बनाने लगती है, तभी अचानक से उसका हाथ गर्म पतीले पर लग जाता है और वो जरा सा जल जाती है। आह, हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे क्या हुआ संजना बेटी, क्यों चिल्लाने लगी? कुछ नहीं काकी, बस गर्म पतीले में हाथ चिपक गया था तो थोड़ा हाथ जल गया। पूरा गांव जानता है कि तुझे कम दिखाई देता है, फिर भी तू चाय की पूरी दुकान अकेली ही चला लेती है, लेकिन बेटा थोड़े पैसे जोड़कर अपने लिए चश्मा बना ले। ये दुकान चलाकर चश्मा बनवा सकूं, इतना पैसा कहाँ बचता है काकी? इतने में तो हमारा घर खर्च ही ठीक से नहीं चल पाता है। माँ के इलाज के लिए और दवाइयों के लिए भी 10 बार सोचना पड़ता है कि कहाँ से पैसों का इंतजाम किया जाए। संजना की जिंदगी ऐसी ही थी, वो करना तो बहुत कुछ चाहती थी परंतु परिस्थिति के कारण कुछ नहीं कर पाती थी। ना तो अपनी माँ का इलाज ठीक से करवा पाती थी और ना ही अपने लिए चश्मा बनवा पाती थी। ये तो है, मुसीबतें सबके ऊपर आती है, लेकिन उससे पीछा छुड़ाना कायरता होती है। हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए। और रही बात तेरी, तू चाय बहुत स्वादिष्ट बनाती है, तेरे हाथ में जादू है। तुझे तो पता है मेरी बेटी मुंबई शहर में रहती है, वो बता रही थी कि वहाँ पर एक कुकिंग कॉम्पिटिशन हो रहा है। तुझे पता है उसने भी उसमें अपना नाम लिखवाया है, मैं चाहती हूँ तू भी लिखवा। जब तू चाय इतना स्वादिष्ट बनाती है तो मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है कि तू खाना भी बहुत स्वादिष्ट बनाएगी। क्या काकी, आप भी कैसा मजाक कर रही हो? आपको तो पता है माँ बीमार रहती है, मैं उन्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? और फिर मुझे ठीक से दिखाई भी तो नहीं देता है ना, कहीं वहाँ पर कोई गड़बड़ हो गई तो? अरे किस्मत आजमाने में क्या जा रहा है, तुझे बस यहाँ से जाने का किराया लगेगा, वो तू मुझसे ले लियो। और रही बात तेरी माँ की, तो कुछ दिनों के लिए उनकी देखभाल मैं कर लूँगी और मुंबई जाकर तुझे इधर उधर नहीं रहना पड़ेगा। तो मेरी बेटी के साथ उसके फ्लैट में ही रह लियो, मैं उसे फोन कर दूंगी। संजना को काकी की बात सही लगती है, वो उस दिन घर जाकर अपनी माँ को इस बारे में बताती है। संजना के इस फैसले को लेकर उसकी माँ भी उसे हाँ कर देती है और कहती है, भला हो जानकी दीदी का जो उन्होंने तुझे ये रास्ता दिखाया। अगर तू वहाँ जाकर जीत गई तो हमें कितना सारा पैसा मिलेगा, साथ में कुछ लोग भी जानने लगेंगे, उन पैसों से तू अपनी आँखों का इलाज भी करवा पाएगी। तुम सही कह रही हो माँ। संजना का फैसला पक्का हो चुका था कि वो मुंबई जाने वाली है। कॉम्पिटिशन के एक दिन पहले संजना मुंबई के लिए रवाना हो जाती है। मुंबई पहुंचकर वो जानकी काकी के दिए पते पर पहुंचती है और वहां पहुंचकर दरवाजा खटखटाती है। अंदर से एक बहुत ही मॉडल और फैशनेबल लड़की बाहर आती है और कहती है, ओए तू कौन है और मेरा दरवाजा क्यों खटखटा रही है? मुझे यहाँ जानकी काकी ने भेजा है, उन्होंने कहा था यहाँ उनकी बेटी रहती है, कहाँ है वो? संजना की ये बात सुन वो लड़की अपने मन में सोचती है, अच्छा मतलब माने जिस लड़की के बारे में कहा था वो ये है। मैंने तो सोचा था कि वो थोड़ा अच्छी दिखती होगी, थोड़ा क्लासी होगी, लेकिन माने किस गवार बदसूरत को भेज दिया, शिट यार। मन में ऐसा सोचकर वो लड़की संजना से कहती है, मैं ही हूँ उनकी बेटी, अंदर आ जाओ। जानकी की बेटी का नाम गायत्री था और ये बात संजना जानती थी। इतना लंबा ट्रेवल करने के कारण संजना बहुत थक गई थी और उसे भूख लगी थी, इसलिए वो जानकी की बेटी के पास जाकर कहती है, गायत्री मुझे भूख लग रही है, घर में कुछ खाने के लिए नहीं है क्या? संजना की ये बात सुन गायत्री को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, क्या कहा तूने मुझे? मेरे सामने तो तूने मेरा ये नाम ले लिया, लेकिन खबरदार अगर किसी के भी सामने मेरा ये नाम लिया तो। मुझे अपना ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं है, पता नहीं माँ ने क्या सोच कर रखा था। फिर मैं तुम्हें क्या बुलाऊं?
तुम मुझे गिन्नी बुला सकती हो। मैंने अपना नाम बदल कर गिन्नी रख लिया है। और हाँ, खाने के लिए कुछ स्पेशल नहीं है। फ्रिज में देख लो, कल के नगेट्स और पिज्जा के कुछ स्लाइस रखे होंगे, तुम वो खा लो। गायत्री की बात सुन संजना फ्रिज में ये चीज निकालने चली जाती है। संजना फ्रिज खोलती है, लेकिन उसे उसके अंदर सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। उसे समझ में ही नहीं आता कि पिज्जा का स्लाइस कौन सा है। वो गायत्री को आवाज देती है, गिन्नी मुझे तो फ्रिज में कुछ भी नहीं दिख रहा, जरा तुम आकर मुझे दे दो। गायत्री इरिटेट होकर वहाँ आती है और उसे पिज्जा के स्लाइस और नगेट्स निकाल कर दे देती है और कहती है, माँ ने मुझे बताया तो था कि तुम अंधी हो, लेकिन इतनी अंधी हो ये नहीं पता था। पता नहीं क्या मुसीबत है। इतना कहकर गायत्री वहाँ से चली जाती है। अगले दिन कॉम्पिटिशन वाला दिन था। संजना ने सारी रेसिपी अच्छे से पढ़ ली थी। अगले दिन वो गायत्री के साथ कॉम्पिटिशन वाले जगह पर पहुँचती है। थोड़ी देर में कॉम्पिटिशन शुरू हो जाता है। सभी अपने अपने डिश बनाना शुरू कर देती हैं। टाइम लिमिट बस आधे घंटे का था। सभी फटाफट अपना काम करने लगते हैं। संजना भी अपने कामों में लगी हुई थी। अभी 15 मिनट ही हुए थे और उसके खीर में से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी थी। ये देख गायत्री की एक सहेली उसके पास जाकर कहती है, गिन्नी ये जिसको तेरी माँ ने गांव से भेजा है उसकी खीर में से देख कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, और अभी तो सिर्फ 15 मिनट ही हुए हैं, ऐसे तो ये जीत जाएगी। अरे यार तो सही कह रही है, मुझे तो टेंशन हो रही है, अब क्या करूँ। मैं भले ही ना जीतूँ मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये लड़की नहीं जीतनी चाहिए, वरना मेरी माँ मुझे ताने दे देकर मार डालेगी। कुछ तो करना पड़ेगा हमें, अगर अभी हम नजरअंदाज कर देंगे तो ये जीत जाएगी। मेरे पास एक आइडिया है, मुझे पता है इसको कम दिखाई देता है, इसको खीर में चीनी डालना है। तू फटाफट इसके चीनी के डब्बे की जगह नमक का डब्बा रख दे, बस इतना काम कर दे, फिर तो ये कभी नहीं जीत पाएगी। गायत्री के कहे अनुसार उसकी सहेली वैसा ही करती है। वो चुपके से संजना के चीनी के डब्बे की जगह नमक का डब्बा रख देती है और संजना खीर में चीनी की जगह नमक डाल देती है। लास्ट में जब जजेस सबका खाना टेस्ट करते हैं, वो संजना का खीर खाते ही गुस्सा हो जाते हैं। छी, ये कैसी खीर है, कितना गंदा टेस्ट है इसका, तुमने इसमें नमक डाला है ना? नहीं मैडम, मैंने तो इसमें चीनी डाला था। तुम्हारा मतलब हम झूठ बोल रहे हैं, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। जब खाना बनाना नहीं आता तो ऐसे कॉम्पिटिशन में भाग किस लेते हो तुम लोग। उस औरत जज को संजना पर बहुत गुस्सा आ रहा था। संजना वो कॉम्पिटिशन हार जाती है, उसकी जगह कोई और लड़की ये कॉम्पिटिशन जीत जाती है और गायत्री की सेकंड पोजीशन आती है। गायत्री बहुत खुश होती है और संजना के पास जाकर कहती है, उप्स, बेचारी की इतने सारे लोगों के सामने बेइज्जती हो गई। मुझे पता है तुम्हें कम दिखाई देता है, इसलिए तुमने चीनी की जगह नमक उठा लिया। कोई बात नहीं, अब तुम आज की आज वापस गांव लौट जाना, क्योंकि अब यहाँ रहने का तुम्हें कोई फायदा नहीं है। चलो फिलहाल के लिए घर चलते हैं। गायत्री संजना के साथ घर आ जाती है। शाम को संजना गांव के लिए निकल जाती है। दो दिन का सफर करके वो गांव पहुंचती है और पैदल ही अपने घर की ओर चलने लगती है। समझ नहीं आ रहा क्या मुँह लेकर घर जाऊं, माँ ने कितने सपने सजाए थे, सब कुछ चकनाचूर हो गया, सब मेरी वजह से हुआ है। जानकी काकी को भी मुझ पर कितना भरोसा था। तभी उसके सामने परियों की रानी परी प्रकट होती है। अचानक से अपने सामने रानी परी को प्रकट हुआ देख संजना घबरा जाती है। कौन हो तुम और अचानक से यहाँ पर कैसे आ गई? मैं परियों की रानी परी हूँ संजना। नहीं तुम झूठ बोल रही हो, परी वगैरह कुछ नहीं होती। मेरे रास्ते से हटो, मुझे घर जाना है। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच में रानी परी हूँ। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो देखो। ऐसा कहकर रानी परी आसमान में उड़ने लगती है। ये देखकर संजना बहुत हैरान होती है और कहती है, तुम तो सच में एक परी हो, माफ करना मैंने तुमसे इस तरह बात की। संजना की बात सुन रानी परी जमीन पर आती है और कहती है, कोई बात नहीं संजना, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करने आई थी। परीलोक में बैठे बैठे हम सभी परियां तुम्हें देख रहे थे। तुम्हारी कमजोर नजर के कारण तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, तुम्हें यही लगता है ना? इसमें लगने जैसा क्या है रानी परी, मेरे साथ हमेशा ही बुरा होता है। ऐसा नहीं है संजना, इस बार तुम्हारे साथ किसी और ने गलत किया है। गायत्री की सहेली ने तुम्हारे चीनी के डब्बे की जगह नमक का डब्बा रख दिया था,
इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। क्या आप जो कह रही हो वो सच में सच है? हाँ संजना। लेकिन गायत्री और उसकी सहेली ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ताकि तुम जीत ना सको। पर तुम अब बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक जादुई मेकअप किट लेकर आई हूँ, जिसे लगाते ही तुम बहुत खूबसूरत हो जाओगी और तुम्हारे आँखों की रोशनी भी बाकी लोगों की तरह हो जाएगी। सच में आपका बहुत बहुत धन्यवाद रानी परी। रानी परी संजना को एक मेकअप किट देती है। जादुई मेकअप किट पाकर संजना बहुत खुश होती है और परी का धन्यवाद करके सीधा घर को चली जाती है। घर जाकर वो अपनी माँ को सारी बातें बताती है। सारी बातें जानकर उसकी माँ कहती है, कोई बात नहीं बेटा, जिसके नसीब में जितना होता है उसको उतना ही मिलता है। नसीब से ज्यादा आज तक कभी किसी को नहीं मिला है, इसलिए किसी को दोषी ठहराना ठीक नहीं है। और क्या हुआ अगर गायत्री बिटिया ने तेरे साथ छल किया? उसके माँ ने तो तेरी बहुत सेवा की है ना, हम वो तो नहीं भूल सकते। आप सही कह रही हो माँ, और वैसे भी अब हमारे पास रानी परी का दिया हुआ जादुई मेकअप किट है। इसे लगाकर मैं बहुत खूबसूरत हो जाऊंगी और मुझे अच्छे से दिखने लगेगा। अब हमारे दुख के दिन चले गए माँ, अब हम सिर्फ खुश रहेंगे। संजना और उसकी माँ बहुत खुश होते हैं। उसके बाद संजना वो मेकअप अपने चेहरे पर लगा लेती है। उसके ऐसा करते ही वो बेहद खूबसूरत हो जाती है और उसे सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है। माँ मुझे सब कुछ बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है, और देखो ना मैं कितनी खूबसूरत हो गई हूँ। माँ इस मेकअप किट से कुछ मांग कर देखते हैं। हे मेकअप किट, मेरी माँ की तबीयत ठीक कर दो। संजना के ऐसा कहते ही संजना की माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। वो अपने आप को बहुत स्वस्थ महसूस करने लगती है। ये देख संजना बहुत खुश होती है। इस तरह संजना पहले अपने लिए एक बड़ा सा घर मांगती है और उसके बाहर एक बहुत ही अच्छी चाय की दुकान। संजना चाय की दुकान पर मेहनत करके खूब तरक्की करती है। धीरे धीरे संजना एक बहुत बड़ा कैफे खोल लेती है और अपने जीवन में खूब तरक्की करती है। इस तरह परी के दिए जादुई मेकअप किट की वजह से उसकी जिंदगी ही बदल जाती है और वो अपनी माँ के साथ अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है। सोतेला बाप और जादुई फ्रॉक। एक कस्बे में मालती अपनी दो बेटी और पति विवेक के साथ रहती थी। मालती की एक बेटी का नाम काजल और दूसरी बेटी का नाम अंजलि था। वो चारों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रही। एक रोड एक्सीडेंट में मालती के पति की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद मालती को अपने और बच्चों के भविष्य की बहुत चिंता होने लगी। कुछ लोगों की सलाह देने पर मालती ने सुरेंद्र नाम के एक आदमी से शादी कर ली। शादी करने के बाद पता चला कि सुरेंद्र एक नंबर का नशेड़ी इंसान था। वो सुबह का नाश्ता भी दारू से ही करता था और रात का डिनर भी। सुरेंद्र रोज दारू पीकर घर आता था और मालती की बहुत पिटाई करता था। वो मालती से दारू के लिए पैसे मांगता था, जब मालती नहीं देती थी तो उसकी पिटाई करता था। इन सब से तंग आकर मालती ने खुदकुशी कर ली। मालती ने खुदकुशी तो कर ली, लेकिन उसके खुदकुशी करने के बाद उसके दोनों बच्चियों की जिंदगी उनके पिता सुरेंद्र ने बद से बदतर बना दी। ऐसे ही एक दिन दोनों बच्चियाँ सुबह सो रही थी, तभी सुरेंद्र वहाँ आता है। अरे वो नालायक, उठो और पैसे कमा कर लाओ। पापा हम पैसे कहाँ से लाए? तू ज्यादा सियानी मत बन, मैं तेरा असली बाप नहीं हूँ, सोतेला बाप हूँ। सोतेला, मैंने तो तेरी माँ से दूसरी शादी इसलिए की थी ताकि वह मुझे कमा कर खिला सके। अब तो तुम्हारी माँ मर गई और तुम्हें मेरे ऊपर छोड़ गई, मैं तुम्हें थोड़ी ना कमा कर खिलाऊंगा। पापा आप क्या कह रहे हो, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, हमें स्कूल जाना है। ओए दोनों बहनें जाओ और किसी के भी घर में काम करके पैसे कमा कर लाओ, और शाम को पैसे लेकर ही घर आना, वरना इस घर से बाहर निकाल दूंगा दोनों को। पापा हम दोनों पैसे कमा लेंगे, लेकिन हमें घर से बाहर मत निकालना। तुम बहुत पैसे कमा कर लाना, तुम दोनों तो मेरे लिए धन की चाबी हो। शाम को मुझे मेरे पैसे जरूर चाहिए, नहीं तो सोच लेना। सुरेंद्र बच्चों को धमकी देकर वापस शराब पीकर सो जाता है। काजल और अंजलि दोनों काम ढूंढने चले जाते हैं, लेकिन उन दोनों को कहीं काम नहीं मिलता है। अब तक तो दोनों की माँ कमा रही थी, इसलिए उनको बाहर की ज्यादा नॉलेज नहीं थी। दीदी लगता है आज हमें कोई काम नहीं मिलेगा।
तुम सही कह रही हो काजल, काम की खोज में सुबह से दोपहर हो गई और अभी तक हमने एक रुपए भी नहीं कमाया। दीदी अब घर चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। काजल घर पर माँ नहीं है जो हमारे लिए खाना बना कर रखेगी। माँ नहीं है तो क्या हुआ, पापा तो है ना। तुमने सुबह सुना नहीं उन्होंने क्या कहा, अगर बिना पैसे लिए घर गए तो बहुत मार पड़ेगी। अरे दीदी पापा की बातों पर इतना क्यों सीरियस होती हो, वो शराब के नशे में बोल रहे होंगे। चलो घर चलते हैं, जरूर पापा ने हमारे लिए खाना बनाकर रखा होगा। उसके बाद काजल और अंजलि घर जाते हैं। सुरेंद्र बच्चों को देखकर दौड़ता हुआ आता है और खुशी से उनको चूमने लगता है। तुम दोनों भी मेरे लिए बेकार नहीं हो, आखिर तुम दोनों पैसे कमा कर ले ही आई, अब मुझे कोई चिंता नहीं, मेरी जिंदगी ऐस में कटेगी। लाओ अब तुम दोनों मुझे अपनी पहली कमाई का दर्शन करवा दो। काजल और अंजलि गर्दन झुकाकर खड़े हो जाते हैं। क्या हुआ, तुम दोनों बोलती क्यों नहीं कुछ? पापा आज हमें कोई काम नहीं मिला। मैं समझ गया, तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम्हारी माँ की तरह ही तुम्हारी भी बेल्ट और डंडे से पिटाई करनी पड़ेगी। सुरेंद्र डंडा लाता है और दोनों की खूब पिटाई करता है। दोनों बच्चियां रात को रोते हुए भूखी सो जाती है, उन्हें अपनी माँ की बहुत याद आती है। दोनों अगली सुबह से एक चाय की दुकान पर काम करने लगती है और पैसे लाकर अपने सौतेले बाप को देने लगती है। ऐसा करते हुए काफी समय बीत जाता है और सर्दियों का मौसम आ जाता है। एक दिन काजल का कुछ बाहर का खाने का मन था तो अंजलि ने उसे बाहर मोमोस खिला दिए। उसके बाद दोनों घर आ गए। लाओ आज के पैसे दो। पापा आज तो पैसे नहीं है। मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। पापा आज हमारा कुछ खाने का मन था तो हमने खा लिया। सुरेंद्र को ये बात बर्दाश्त नहीं होती और वो अंजलि और काजल को खूब पीटता है, फिर बहुत ज्यादा सर्दी में भी उन दोनों को घर से बाहर निकाल देता है और खुद दरवाजा बंद करके शराब पीकर सो जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और सुरेंद्र दोनों बच्चियों को बेचने का प्लान बना लेता है। एक दिन वो एक सेठ से फोन पर बात कर रहा था। हेलो, हाँ साहब, दोनों बच्चियाँ सुंदर है, मुझे इनके 20 लाख रुपए चाहिए। जी जी ठीक है, आप मेरे घर आ जाइएगा, मैं आपको अपना पता भेज देता हूँ। सुरेंद्र की ये बात दोनों बहनें सुन लेती है। काजल को तो अपने पिता की बात समझ नहीं आती, लेकिन अंजलि समझ जाती है कि पिता दोनों को बेचने की बात कर रहा है। वो बहुत डर जाती है, वो काजल को भी सब समझाती है। दीदी अब हम क्या करेंगे? पता नहीं छोटी, अब हम क्या करेंगे? अगर आज माँ हमें छोड़कर नहीं गई होती तो ये दिन नहीं आता। माँ क्या आपने खुदकुशी करने से पहले हम दोनों के बारे में थोड़ा सा भी नहीं सोचा? स्वार्थी होकर आपने खुद को बचा लिया। अंजलि इतना कहकर रोने लगती है। तभी अंजलि की माँ की आत्मा प्रकट होती है। बेटियों मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने अपने दोनों बच्चियों को अकेला छोड़ दिया। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटी, मैं अब वापस तो नहीं आ सकती लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। इतना कहकर काजल और अंजलि की माँ की आत्मा दो फ्रॉक प्रकट करती है और कहती है, बेटी ये दोनों फ्रॉक जादुई हैं, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए होगा तुम इससे मांग सकती हो, अब मुझे जाना होगा। इतना कहकर वो गायब हो जाती है। काजल और अंजलि उस फ्रॉक को फौरन पहन लेते हैं। तभी उनके घर में वो सेठ आ जाता है। सुरेंद्र जी कहाँ है आपकी दोनों बेटियाँ, आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ। सुरेंद्र और सेठ की बात काजल और अंजलि सुन लेती है। अरे नहीं दीदी ये लोग तो आ गए, इच्छा पूरी करने वाले जादुई फ्रॉक हमें गायब कर दो। अंजलि के इतना कहते ही अंजलि और काजल अदृश्य हो जाते हैं। जब सुरेंद्र और सेठ वहां आते हैं तो उन्हें वहां कोई नहीं दिखता। इतने में काजल एक डंडा लेकर दोनों को मारना शुरू कर देती है। अरे नहीं ये कौन मार रहा है हमें? इतने में अंजलि पुलिस स्टेशन फोन करके पुलिस को बुला लेती है। थोड़ी ही देर में पुलिस आ जाती है। पुलिस के आने के बाद अंजलि कहती है, हे इच्छा पूरी करने वाली फ्रॉक हमें वापस पहले जैसा कर दो। अंजलि के इतना कहते ही वो वापस दिखने लगते हैं। अंजलि सारी बात पुलिस को बताती है। पुलिस सुरेंद्र और उस सेठ के खिलाफ कठोर एक्शन लेती है और दोनों को बहुत लंबी जेल हो जाती है।
उसके बाद दोनों बहनें अपने अपने जादुई फ्रॉक के सहारे अपने जिंदगी खुशी से जीने लगती हैं।